हेलो दोस्तों, अधिकतर देखा गया है कि गर्मियों के दिनों में मच्छर ज़्यादा काटते हैं। आपको बता दें, केवल मादा मच्छर ही काटती हैं, नर मच्छर नहीं। मच्छर वहीं पैदा होते हैं जहां जल निकाय होता है, क्योंकि मच्छर केवल उच्च नमी वाले स्थानों में अंडे देते हैं। इन मच्छरों को जीवित रहने के लिए गर्म रक्त वाले जीवों के खूनों की आवश्यकता होती है। आपने कभी ना कभी ये ध्यान तो दिया ही होगा कि जब मच्छर काटता है तब पता नहीं चलता, परंतु कुछ देर बाद लाल दाग हो जाता है और खुजली होने लगती है। तो आइए समझते हैं कि मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है। मच्छर अपनी सूंड या डंग की सहायता से काटती है, जिसके कारण त्वचा की ऊपरी परत में छिद्र हो जाता है और रक्त वाहिका भी प्रभावित होती है। काटी हुई जगह पर खून का थक्का न जमे, इसके लिए वह विशेष प्रकार का थक्का रोधी रसायन अपनी लार के द्वारा से हमारे शरीर में छोड़ती है, जिससे हमारे शरीर में कुछ देर के लिए खून का थक्का नहीं जमता है। क्योंकि यह लार एंटीकुआगुलेंट्स के रूप में कार्य करता है और आसानी से मच्छर हमारा खून चूस लेती है। लार में रसायन होने के कारण हमारे शरीर में प्रवेश करने पर खुजली होती है और थोड़ी सी वह जगह लाल होकर सूज जाती है। मच्छर में मौजूद एक ट्यूब हाइपोफोरनिक्स के माध्यम से उसकी लार आपके शरीर में जाती है, जबकि दूसरी ट्यूब लैब्रम के जरिए आपका खून ऊपर की तरफ पंप होता है, जहां पर मच्छर काट रहा होता है। इन दो ट्यूबों की मदद से मच्छर आसानी से काटकर खून चूस पाता है। इस लार में एंजाइम और प्रोटीन होते हैं जो आपके शरीर की थक्का प्रणाली को बाईपास करते हैं। ये 19 एंजाइम, प्रोटीन और एंटीकोआगुलेंट्स सीधे आपके शरीर में एलर्जी पैदा कर देते हैं। आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम एलर्जी के प्रति प्रक्रिया के कारण हिस्टामाइन निकालती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मच्छर के पहली बार काटने से शरीर में लार प्रवेश करती है, जिससे एलर्जी हो जाती है और इन घटकों के प्रति संवेदनशीलता हो जाती है, जिसके कारण इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रवाह होता है और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स संयोजी उत्तक और मास्ट कोशिकाओं को तोड़ते हैं, जो वास्तव में हिस्टामाइन्स निकालते हैं और आपको खुजली होती है। लेकिन मास्ट कोशिकाएं घावों को ठीक करने और रोग जनकों से बचाव करने में भी मदद करती है, परंतु वे एलर्जी प्रतिक्रियाओं और सूजन में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं और कुछ देर बाद ये हिस्टामाइन एंटी हिस्टामाइन से जुड़कर खुजली को रोकने में मदद करता है। एक नई शोध के अनुसार हमारे शरीर में अधिक जटिल प्रतिक्रिया का संकेत मिलता है, जिससे हिस्टामाइन स्वतंत्र परिधीय मार्ग कहते हैं। इसमें मास्ट कोशिकाएं भी शामिल है, लेकिन यह माना जाता है कि हिस्टामाइन्स के अलावा अन्य पदार्थ भी निकलते हैं, जिसके कारण परिधीय न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS को संकेत मिलता है। ये CNS इन संकेतों की व्याख्या करता है और उन्हें मस्तिष्क में भेजता है, जिससे आपको यह पता चलता है कि काटने से खुजली होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि मच्छर के काटने से खुजली होती है उसके पीछे मच्छर की लार में मौजूद रसायन के कारण होती है, और वैज्ञानिकों के अनुसार इस लार का शरीर में प्रवेश करने से कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिससे खुजली होती है और कुछ देर बाद ठीक भी हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।